मॉर्निंग बच्चों, आज का मेरा अगला वीडियो है नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हम जो है पार्ट पार्ट करके आपको तीन वीडियो में आपको या दो वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो नदियां पर्वतीय क्षेत्रों पर जब कटाव कार्य करती हैं तो कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए बच्चों, हम लोगों का ये जो पर्वतीय भाग है, ऊपरी भाग है, माउंटेनियस और अपर कोर्स में, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पर नदियां जब जो होती है उनकी गति बहुत तीव्र होती है। तीव्र होने का दो कारण है, एक पर्वतों का खड़ा ढाल और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अपनी तली को पाना चाहती है, सागर तल को वो पाना चाहती है, जिस कारण से नदियां जो है कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे पहला है भी आकार की घाटी। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में साथ साथ मेरा एक बनाया हुआ मॉडल भी है, जो कि मैं बीच बीच में जो है उसका क्लिप्स आपको डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को और आसानी से समझ में आए। देखिए भी आकार की घाटी में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है तली को काटना चाहती है, तली को काटती है तो सबसे पहले आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये क्षेत्र है जहां पर आई आकार की घाटी का निर्माण होता है इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो जल है, इसलिए ये पूरे आई की तरह दिखता है। इसका निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है? तो भाई नदी अपनी तली को काटना चाहती है, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्थान भी हो रहा है और नदी जो है तेजी से काट रही है, तो धीरे धीरे उस स्थान जो है उठता भी चला जाता है और नदी उसको काटती चली जाती है और नीचे चलती चली जाती है। तो हम लोग उसे जो है भी आई आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आई आकार की घाटी। उसके बाद क्या होता है कि किनारे के कुछ भाग जो है वो टूट कर गिर जाते हैं और गिरने के बाद या कट के हट जाते हैं, और इस तरह से जब एक स्थलाकृति का निर्माण होता है तो उसे हम लोग वी आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। ये तो आपको समझ गए होंगे। गॉर्ज कैनियन भी जो है, गॉर्ज और कैनियन भी जो है इसी से संबंधित है। क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो खड़ा ढाल वाला कोई भाग होता है, इस तरह का खड़ा ढाल वाला जो भाग होता है तो उसे हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। कैनियन क्या है? तो कैनियन जो है वो गॉर्ज का एक बड़ा रूप है। शुष्क प्रदेशों में जब नदियां जो है अपनी तली को काटती रहती हैं और गहरी करती चली जाती हैं तो इस तरह का जो स्थलाकृति का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कैनियन के नाम से जानते हैं। देखिए यूएसए का कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, क्योंकि वो 2000 मीटर गहरा और करीब करीब 485 किलोमीटर लंबा कैनियन है। और भारत में कश्मीर का नाम तो सुने हुए होंगे आप लोग, वहां पर जो सिंधु नदी है उसका 5000 मीटर गहरा, यानी करीब करीब समझ लीजिए 5 किलोमीटर गहरा जो है कैनियन है, जिसे हम लोग विश्व का सबसे गहरा कैनियन के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि कैनियन आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को जल प्रपात के बारे में बताऊंगा, वाटरफॉल क्या है। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों पर मान लीजिए एक नदी बह रही है और यह है कठोर चट्टान, यह है कठोर और यह है मुलायम चट्टान। तो नदी जब बहती है तो कठोर चट्टानों की तुलना में मुलायम चट्टानों को तेजी से काटती है, तो मुलायम चट्टान क्या होते हैं, कटते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि नदी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उनका जल जो है वो गिरने लगता है और जल गिर करके आगे बढ़ता है, क्योंकि जो जल आगे गिरा और एक झरना का रूप ले लिया तो उसे हम लोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप जलप्रपात समझ गए होंगे। अब मेरा अगला पॉइंट है द्रुतवाह क्या है। देखिए द्रुतवाह जो है वो जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है तो देखिए पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण मुलायम और कठोर दोनों चट्टानों से होकर बना है। तो जब मान लीजिए कि ये कठोर चट्टान है, ये कुछ मुलायम है, ये कठोर है,
फिर ये कुछ मुलायम है, फिर ये कठोर है। तो जो मुलायम चट्टान है वो नदी की वेग की संख्या होती है, वो मुलायम चट्टान जिसे मुलायम चट्टान जो है कट करके बह जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसकी आकृति लगभग ऐसे बन जाती है, इस तरह का आकृति बनती है, तली में सागर नदी की तली में। तो नदी का जल जो है यहाँ से आएगा और इसमें घुस करके यहाँ से ऊपर उठना चाहेगा, लेकिन ऊपर नहीं उठ करके क्या होगा, ये नीचे से फिर बैक करेगा, बैक करके इधर जब आएगा तो और भी जल आ रही है वो इसको धक्के करके आगे बढ़ा देंगे। यानी कि जल जो है वो ऐसे ऐसे गया पहाड़ों ऊंचे भाग पर चल रहा है, फिर वो नहीं चढ़ पाया, नीचे आया तब तक पीछे से जल और धक्का मार दिया वो उछल, यानी कि उछलते उछलते जब नदी आगे बढ़ती है तो उसे हम लोग रैपिड्स या द्रुत प्रवाह के नाम से जानते हैं। और इसकी आकृति लगभग इस तरह से ही बनती है, ठीक ऐसे, और ये सीढ़ी की तरह बन जाएगा, ये सागर के तल के नीचे सीढ़ी की तरह आकृति बनेगा, जिसको हम लोग अपने कोर्स में लेकर जान लीजिए, इसको हम लोग संरचनात्मक सोपान यानी कि नदी द्वारा बनाई गई नदी के तली में सीढ़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है जल गतिका यानी कि पॉट हाउस क्या होता है। देखिए जब पर्वतीय क्षेत्रों पर नदियां बहती हैं तो मान लीजिए बह रही है, ये पूरा का पूरा कठोर चट्टान है, उसके बीच में कहीं पर एक मुलायम चट्टान है, जैसे ही मुलायम चट्टान आ जाएगा नदी क्या करेगी, उसको काट करके लेके बह जाएगी, ये थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा होगा। उसके बाद नदियां बह गई तो नदी के साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी बह रहे, वो इससे टकरा के इसको तोड़ते रहेंगे और धीरे धीरे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। अब क्या होगा कि नदी के जल के संग जो कंकड़ पत्थर आ रहे इसके अंदर घुसेंगे, इसके संग जो है उसमें घुलाए मारेंगे और आसपास के क्षेत्रों को काटते काटते इसको और बड़ा एक गहरा कुआं की तरह खाई बना देंगे। तो नदी की तली में इस तरह का जब कोई गहरा गर्त बनता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई भी गर्त बनता है, हम तस्वीर आपको इसमें दिखाएंगे, आप तस्वीर भी देख लीजिएगा, तो इसे हम लोग जल गर्तिका के नाम से जानते हैं। मेरा अगला एक पॉइंट है परस्पर संयुक्त पर्वत प्रक्षेप इंटरलॉकिंग स्पर्श क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल के तरह आप समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, बस ये एक बस खड़ी है, ठीक एक बस ये खड़ी है, एक बस ये खड़ी है, एक बस ये खड़ी है, आपको यहां जाना है इसी के बीच में से, तो कैसे जाएंगे, ऐसे आएंगे फिर इधर से ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फिर इस तरह पहुंचेंगे ना। आप लोग रास्ते में चलते हैं तो जैम लगा रहता है, कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आपको पार करना रहता है, आप कैसे सीधे तो नहीं जाते ना, ऐसे गए नहीं गाड़ी को छोड़ेंगे, उसके पीछे वाले से ऐसे बढ़े आगे बढ़े, इस तरह से करके आप रोड को पार करते हैं। ठीक वही चीज पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है। क्या कि मान लीजिए पर्वतों का एक किनारा है ये और एक किनारा है ये, नदी यहां से बहते हुए आई, अब यहां से क्या हुआ मुड़ करके आगे बह रही, यहां पर आई तो और एक पर्वत ऐसे एक है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है अब नदी, लेकिन ये आगे से बहते हुए इस तरह से मुड़ेगी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और ये फिर से यहां से ऐसे निकलेगी, निकलते हुए फिर जब यहां आएगी तो यहां और एक पर्वत आ गया, इस तरह से ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत ऊंचा भाग हो गया। अब नदी जो है यहाँ से फिर ये कटेगी, इधर आगे जाके कटेगी, मान लीजिए पर्वत यहाँ पर आगे जाके इतना है कि आगे जाके तो फिर यहाँ से ऐसे कटेगी और कट करके वो फिर यहाँ से बहते हुए इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह की जब आपको जो है नदी दिखाई नहीं देगा दूर से तो इसे हम लोग इंटरलॉकिंग स्पर के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। सॉरी मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, नदी अपहरण में ब्लैक बोर्ड मिटा दिया हूँ, व्हाइट बोर्ड मिटा दिया हूँ, फिर भी आप जान लीजिए नदी अपहरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नदी कहीं से निकल गई, ठीक है, इस जगह से निकल गई, वहां और भी नदियां निकल गई, और भी नदी निकल गई, अब ये नदी जो होता है वो अपने उत्थान जहां से उसका उद्गम हो रहा है उसके ऊपर की तरफ काटना प्रारंभ करती है, और ऊपर की तरफ काटते 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 काटते
वो आगे उसका ऊपरी भाग जो ऊपर चलता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो दूसरी नदी का उत्थान यहाँ से होता है वहां तक पहुंच जाता है, और उसकी जल को लेकर के इसलिए जल यहाँ से बह रही थी तो अब यहाँ से जल नहीं बहेगी, जल जो है इस स्थान से बहते हुए आगे बढ़ेगी, तो ये भाग जो होगा वो सूख जाएगा क्योंकि यहाँ का नदी का जल का जो है इस नदी ने अपहरण कर लिया, तो उसे हम लोग रिवर कैप्चर या नदी अपहरण के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगला पॉइंट के लिए जय हिंद जय भारत।